मोटे मोटे तौर पे जीएसटी में मैं अगर देखूं तो तीन तरह की चीजें आती हैं। एक तो ये कि सब लोग जीएसटी के रेट से पीड़ित हैं कि रेट कम होने चाहिए। इसकी आवाज दिल्ली सरकार के जरिए और मनीष सिसोदिया जी जीएसटी काउंसिल में लगातार उठाते रहे हैं और हमें लगता है कि धीरे धीरे केंद्र सरकार भी इसको समझने लगी है कि रेट्स को कम करने की जरूरत है। जैसे पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई सारे आइटमों पे 28% वाला रेट कम करके 18% पर लाया गया। तो एक तो ये सबसे बड़ी ओवरऑल समस्या नजर आती है। दूसरे वो मुद्दे हैं जीएसटी में जिसमें दिल्ली सरकार कुछ कर सकती है। हम चाहते हैं कि वो सारे मुद्दे आप लोग हमें बताते जाएं और मैं आपको यकीन देता हूं कि जितनी देर आपको हमारे को बताने में लगेगी उससे कम देर में हम उसको लागू कर देंगे आपके समस्याओं के लिए। लेकिन हम देखते हैं जीएसटी में अधिकतर मुद्दे ऐसे हैं जो कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, राज्य सरकारों के कंट्रोल में नहीं है, वो केंद्र सरकार को या जीएसटी काउंसिल को लागू करनी है। ऐसे मुद्दों पे भी जब आप लोगों से फीडबैक आता है तो जीएसटी काउंसिल के अंदर इन मुद्दों को मनीष सिसोदिया जी आपके प्रतिनिधि के तौर पे वहां पे पूरे दमखम के साथ रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि कई सारे उनके सुझावों को माना गया है और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे 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 बाकी सुझावों को भी हम उनको मना लेंगे और आपके बाकी सुझावों को भी लागू कर दिया जाएगा। आज ये आप लोग जो इतने सारे लोग हैं, हर मार्केट के अंदर जीएसटी कमिटीज बन रही है, मुझे लगता है कि जनतंत्र को जीवंत करने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य के अंदर इस किस्म की एक्सरसाइज चल रही है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, जीएसटी कमिश्नर 2 घंटे आप लोगों के साथ व्यापारियों के साथ बैठे और उनसे पूछे भाई बताओ अगली जीएसटी काउंसिल में क्या बातें आती है। मुझे नहीं लगता किसी भी और राज्य के अंदर यह प्रक्रिया चल रही है। अमूमन क्या होता है, अमूमन होता है कि हर मार्केट कमेटी वाले या हर व्यापार की कमेटी वाले वित्त मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री से टाइम मांगते हैं और उनको अपना ज्ञापन सौंप के आते हैं, उसमें से 2-4 बातें वहां का वित्त मंत्री फिर अपनी जीएसटी काउंसिल में रख सकता है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आपके साथ 2 घंटे बैठ के और अभी आपने देखा कि दिल्ली के मुख्य सचिव साहब अंशु जी एक्चुअली नोट्स बना रहे थे बैठे। कभी देखा है कि मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बैठे नोट्स बना और उन्होंने एक एक बात आपको बताई है। तो इस तरह इन सारी चीजों का लागू करवाया जाएगा। ये जो जीएसटी काउंसिल कमेटियां बनाई जा रही है मार्केट के अंदर, ये भी क्यों बनाई जा रही है? पहली बात तो दिल्ली सरकार व्यापारियों को अभी तक जिस तरह से कई सारी सरकारें व्यापारियों को ट्रीट करती थी, जैसी बात आती थी व्यापारी तो कहते थे व्यापारी तो चोर होता है, यही था ना एक धारणा बना रखी थी सबने, व्यापारी तो चोर है, रेड मारो, ये करो, वो करो। इस पूरी धारणा को पलटना है। व्यापारी चोर नहीं है, व्यापारी चोरी करना नहीं चाहता। अगर आप उसको ऐसा माहौल दें, अच्छा माहौल दें, तो 99% व्यापारी 99% व्यापारी ईमानदारी से काम करके सारा टैक्स देना चाहता है, वो अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, वो व्यापार करना चाहता है, वो सरकार से पंगे लेना नहीं चाहता व्यापारी। लेकिन अगर हम व्यवस्था ऐसी बनाए तो व्यापारी को मजबूरी होती है। तो एक तो ये कि ये जीएसटी कमेटी बना के आपको हम ये कह रहे हैं भाई आप सरकार बन गए हो, सरकार के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत को एक तरह से इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है, आपको बराबर की भागी दी जा रही है, भागीदारी दी जा रही है और आप जो जैसे जैसे कहोगे अब सरकार वैसे वैसे चलेगी। आप कहोगे जी ये रेट ऐसे होना चाहिए तो मनीष सिसोदिया जी अगली बार काउंसिल में जाके रखेंगे आपकी बात। आप कहोगे जी ये दिक्कत आ रही है तो मनीष सिसोदिया जी जाके रखेंगे काउंसिल में आपकी बात। तो मनीष सिसोदिया जी नेता नहीं है, मनीष सिसोदिया जी आपके प्रतिनिधि हैं और आपकी आवाज को जीएसटी काउंसिल के अंदर रखा जाए, ये बड़ी बात है।
तो हम आप लोगों को अपना सरकार चलाने में हम आपको अपना पार्टनर मानते हैं, आपको अपना भागीदारी मानते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से संवाद अपना बना रहे। अब हमारी भी आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं जो ये पूरा हम लोगों ने प्रोसेस चालू किया है। जैसे आप लोगों ने हमें चुना, अब अगर हम चाहते तो मनीष जी चले जाते हर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, दो चार डेलीगेशन उनके घर पे आते, वो बात करके आया, लेकिन हमें लगा ये ठीक नहीं होगा। हमें नहीं पता ट्रैक्टर के पार्ट्स पे क्या दिक्कत आ रही है, हमें नहीं पता ज्वेलरी वालों की क्या दिक्कत आ रही है, दो चार डेलीगेशन अगर दे जाते तो दे जाते, लेकिन ये जो इतनी विविधता के साथ आप लोगों की समस्याएं सामने आई हैं, ये तभी पता चल सकती है जब हम आपके साथ बैठ के दो तीन घंटे बिताएं और ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहे। पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी दो घंटे बैठे थे, इस महीने मीटिंग हो रही है, तो अगली जीएसटी काउंसिल की तैयारी करने के लिए मनीष जी आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, हमारी आपसे उम्मीद है कि आप भी अपने आगे व्यापारियों से बातचीत करके उनकी बातें यहां लेके आए। अब अगर एक जीएसटी कमेटी में मान लो 10 आदमी, 11 आदमी, 15 आदमी है, उन 10, 11, 15, 20 आदमियों को हम चाहते हैं कि आप अपने मार्केट के और आप अपने व्यापार के लोगों से लगातार संपर्क में रहकर उनका भी लगातार फीडबैक लेते रहे और उस फीडबैक को आप हम तक पहुंचाएं, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। हम ये चाहते हैं कि जो जो व्यापार के, जो जो मार्केट के यहाँ पे लोग आए हैं, जितने भी आपके मार्केट के अंदर दुकानें हैं, जितने भी व्यापारी हैं उस मार्केट से संबंधित, सबसे बेस्ट तरीका आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के आपको लगातार इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम उनके संपर्क में रह सकते। हम चाहते हैं आप वहां पे जिस दिन भी आपकी छुट्टी हो या जो सुविधा हो, आप वहां पे सारे व्यापारियों की मीटिंग कीजिए और उस मीटिंग में आपके जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, आपको वहां आके आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, आपके मार्केट के अंदर आपके आगे प्रश्नों के जवाब देंगे। कई मार्केट्स में गए हैं ये लोग, इन्होंने कैंप्स लगाए हैं वहां पे, आप वहां पे जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए, सारे व्यापारियों को बुलाइए। ये जो आदान प्रदान होगा ये सच्चा जनतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी चुनाव को 5 साल में एक बार चुनाव करने की प्रथा बनी।